नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोग के साथ जो हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये मशरूम मटर का रेसिपी है। तो आइए आज हम बनाते हैं। तो मशरूम को पहले हम उसका जो डंठल लंबा लंबा होता है उसको मीडियम साइज में रख करके हम काट करके लंबा डंठल अलग कर लेंगे। उसके बाद इसको हम साफ़ करने का प्रतिक्रिया करेंगे। तो साफ़ करने में सभी को होता है क्योंकि इसमें गंदगी थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये पेपर वगैरह पे उगाया जाता है ना, इसी वजह से। तो साफ़ करने में सभी को टेंशन रहता है किस प्रकार से साफ़ करें ताकि ये अच्छे से साफ़ हो, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ होती है, हाइजीन मेंटेन करने वाली चीज़ होती है। तो इसमें हम घर में जो रोटी बनाते हैं ना, वो गेहूं का आटा 2 चम्मच डाले हैं। उसके बाद उसको हम अच्छी प्रकार से उसको हल्का हल्का उसको रगड़ लेंगे और फिर उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, एक एक को हम अच्छी प्रकार से गेहूं के आटा से रब कर रहे हैं, उसके बाद उसको हम साइड कर ले रहे हैं। तो इससे सारा गंदगी इसका दूर हो जाता है। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें कुनकुना पानी। जब भी डालें इस धोए इसको गर्म पानी से ही धोएं, ठंडे पानी से नहीं धोएं। तो कुनकुना पानी से धो करके हम रेडी कर लेंगे। तब तक हम प्याज वगैरह चॉप करके रेडी कर लिए हैं। तो उसको एक एक को हम साफ़ कर करके रेडी कर लिए। अब देखिए ये कुनकुना पानी में गया और देखिए एकदम वाइट वाइट, कितना मस्त, एकदम अंडे जैसा साफ होकर के रेडी हुआ है, बिल्कुल एकदम साफ साफ। देखिए आटा जो था ना वो एकदम अलग से हो गया, अलग थलग हो गया, इसमें थोड़ा भी नहीं चिपका है। तो देख सकते हैं आटा सब अलग हो गया है। उसके बाद फिर किसी भी स्ट्रेनर वाले चीज़ में आप उसको निकाल लें, इसका पानी अच्छी तरीके से चू जाने दें। उसके बाद फिर इसको कट करें। तो देखिए पूरा आटा निकल करके बाहर हो गया है। अब मशरूम का हम कट लगाएंगे। तो कट अगर बड़ा बड़ा मशरूम है तो उसका 4 भाग, छोटे मशरूम का बस 2 भाग। इसी प्रकार से हम काट लेंगे और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो आप भी अपने इच्छा अनुसार इसको टुकड़ों में बांट लें और फिर इसको मैरिनेट करें। तो जैसा आपके घर वाले आपको पसंद है उस प्रकार से इसको काट सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इतना बढ़िया बढ़िया डिश इतना शॉर्ट्स में हम आप लोग को बना करके देते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए हम 2 चम्मच दही डाले हैं। दही मेरा मार्केट से लाया हुआ है, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कस्तूरी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये सबको डाल करके हम मैरिनेट करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और ये जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बस मसाला और नहीं डालना है इसमें, और इसको हम मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से प्यार दुलार से मिला करके और फिर इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद 10 मिनट के बाद फिर हम इसको डालेंगे। तो अब हम तैयारी करते हैं इसके ग्रेवी का। तो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा अदरक को हम कूट करके ले लेंगे, अदरक और लहसुन को। तो अब भी चाहें तो इमामदस्ते में कूट सकते हैं, नहीं तो आप पीस के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये अब कढ़ाई फिर से दोबारा हम रेडी कर चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे जीरा है, दालचीनी है, इलायची है, और फिर खड़ा लाल मिर्च है। तो फिर हम प्याज डाल दिए जो बारीक चॉप करके रखे थे, 3 बड़ा प्याज, उसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें जो अदरक लहसुन हम कूट करके रखे थे उसको। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और फिर खड़ा लहसुन भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम का टेस्ट है। सर्दी के मौसम में खड़ा लहसुन सब्जी में डाल के खाने से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिर फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर हम डाल चुके हैं, और फिर उसके बाद डालेंगे हम उसमें टमाटर। तो टमाटर भी बारीक चॉप किया हुआ है, बहुत मोटा मोटा नहीं है। और टमाटर जाते ही नमक रुकेंगे कहाँ, प्यार से उनके पीछे पीछे सरक लिए तो नमक भी चला गया और ग्रेवी के टेक्सचर में ये आ गया है। अब इसी टाइम पे हम डालेंगे मटर। तो इसमें 100 ग्राम के करीब मटर है। मटर को हम छील करके साफ़ कर लिए हैं, धुल लिए हैं, उसके बाद फिर हम डाल दिए। आइए देख सकते हैं मसाला कितना मस्त भून करके रेडी हुआ है। उसके साथ मटर भी थोड़ा सा हम गलने देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ
मैरिनेट किया हुआ मशरूम और इसको डाल करके हम ढक करके पकाएंगे, क्योंकि अब मटर और मशरूम दोनों चला गया है, तो ये दोनों जाने के बाद तो टोटली पकाने का ऑप्शन आता है, फिर इसमें कच्चा नहीं रखना है। तो हम ढक ढक के इसको भून लेंगे 10 मिनट तक। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब पानी जब भी डालें तो कुनकुना डालें। देखिए अभी जैसे कढ़ाई में झाग हो रहा है ना, बिहार में इसी तरह से फॉग हो रहा है, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं, पूरा धुंधला दिखता है। मेरा रेसिपी भी क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ऐसे ही पड़ोस का घर भी हमको क्लियर नहीं दिखता है। बस इसी प्रकार में अभी बिहार में चल रहा है। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में इतना बढ़िया रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं, तो आप भी मेरे लिए एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो देखिए कितना मस्त ये बन करके सब्जी रेडी हुआ है। तो ये रेसिपी आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए अपने फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्जी बन करके रेडी हो गया है और फिर इसको थोड़ा सा बस हम गार्निश करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। देख रहे होंगे टेक्स्चर कितना बढ़िया है, ज़्यादा ग्रेवी इसका पानी जैसा नहीं रखना, एकदम थिक थिक रखना है, तो टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आई, कच्चा पानी तो बिल्कुल भी नहीं दे, जब भी देना तब दे बिल्कुल कुनकुना पानी। देख लीजिए बिहार का मौसम और मेरे सब्जी का माहौल दोनों सेम सेम चल रहा है, अभी बिल्कुल फॉग है इसी तरीके से। तो ये देखिए इसमें कस्तूरी मेथी और हरी धनिया की पत्ती, इसके बाद और कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा अदरक का बारीक बारीक टुकड़ा जाएगा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा। जब भी इसको सर्व कीजिएगा ना खाने वक्त, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और आप भी अपने फैमिली